हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? होप सो आप सब अच्छे होंगे, अच्छे ही रहना। और आपके आशीर्वाद से मैं तो अच्छा हूँ ही। और जैसे कि ये जो वीडियो है, इसको मैं व्लॉग नहीं कह सकता, ये एक मैसेज है। और वीडियो के टाइटल से आपको पता लग गया होगा वो क्या मैसेज है, फिर भी मैं बताता हूँ। जैसे कि हम लोग फैशन की दुनिया में और अदर चीज़ों में बिजी होते जा रहे हैं, वहाँ पे ये एक लड़की होते हुए हमारे गोवंश की जान बचाने में और उनकी सेवा करने में पूरी ज़िंदगी लगा रही हैं। मतलब अपना फुल टाइम इन्हीं की सेवा में लगा रही है। तो इनका जितनी भी सपोर्ट हो सके गोवंश को बचाने के लिए आप करें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद। तो सबके नाम याद रहते हैं आपको? सबके नाम याद हैं। ए छोटी सी राधा बेटी, क्या हुआ तुझे? कुछ कह रहा क्या हुआ? सबको परेशान कर रहा तुझे? सबको प्यार चाहिए। बस बेटे हरी, बस अब पहले मैं गोबर हटा दूँ। गोबर हटा दूँ मैं? बेटे गोबर हटा दूँ, चल गोबर हटा दूँ, चल गोबर हटा। बिल्कुल हो चुकी थी तो फिर मैंने बस अपनी एक एक मेरा बछड़ा थोड़ा सा शैतान हो गया, जो डेढ़ मतलब मेरे सड़क पर ना सारे बछड़े उठ चुके थे, एक ही बछड़ा बचा था, तो उसे मैंने पहले ही गौशाला में शिफ्ट कर दिया था। फिर एक के लिए गौशाला ली थी मैंने रेंट, सिर्फ उस एक बछड़े के लिए, तो मैंने फिर उसे वहाँ बांध दिया था। फिर वो गौशाला ही बड़ी करनी पड़ी और जैस्मिन जी, मतलब आप उन लोगों के लिए क्या मैसेज देना चाहते हो जो मतलब इन पशुओं को रोड पे छोड़ देते हैं? मैं उनको तो मैं ये मैसेज देना चाहती हूँ कि इनका आपको यूज नहीं रहा, इस वजह से आप छोड़ रहे हो। तो एक टाइम ऐसा भी आएगा जब आप मतलब बूढ़े हो जाओगे तो आपको भी आपके घर से निकाल दिया जाएगा, क्योंकि तब आपका भी यूज नहीं रहने का। तो कोई भी चीज़ करने से पहले अपना पढ़ लो, तो शायद गलत काम होगा। सही बात। तो मतलब जैसे आप इस काम को कर रहे हो, कितना टाइम हो गया? ओके, तो अभी तक मतलब कुछ मुश्किलें क्या क्या आई आपको इस काम में? तो जैसे जैसे कि हमें पता है, जैसे गौ माता जब तक हमें दूध देती रहती है तो हम रखते हैं उनको, उनको भी छोड़ देते हैं, तो उन लोगों के लिए क्या कहना है आपका? ये तो वो वाली चीज होगी कि फिर तो जो गौ है वो माता है ही, वो एक प्रोडक्ट है कि जब तक उसका वो दूध दे रही है तब तक उसे रख रहे हैं, और जब वो दूध थोड़ा कम देना बंद कर थोड़ा कम देती है तब उसको इंजेक्शन मार मार के पूरी उसकी हड्डियों का कैल्शियम पूरा निकालने के बाद छोड़ जाती है उसको। तो ऐसे तो फिर आपके साथ भी हो सकता है कि जब आपकी जरूरत खत्म हो जाएगी तो तब बुढ़ापे में आपका भी कोई सहारा नहीं रहेगा, आप भी बाहर सड़क पे दिखोगे, गारंटेड बात है। तो इस काम में अब तक कितने लोगों ने आपकी मदद की है? इस काम में अब तक 15-20 जने तो ऐसे हैं जिन्होंने मेरी मदद की है, और कुछ
सबका कंट्रीब्यूशन, सबका योगदान अलग अलग है। तो आपने इसे मतलब जो आप इस काम को कर रहे हो, तो शासन प्रशासन को भी कुछ इसके लिए मदद के लिए कुछ एप्लीकेशन या कुछ दिया? तो आपने कराया इसका रजिस्ट्रेशन? अच्छा जैस्मिन जी, एक चीज और बताएं, जैसे आपके साथ किसी को जुड़ना हो या मतलब वो किस तरह से जुड़ सकता है? वो मेरे से किसी भी तरीके से जुड़ सकता है, वो डायरेक्ट घास दे सकता है, मेरी गौशाला के लिए दूध दे सकता है, खल बिनौले चोकर इनमें से कुछ भी दे सकता है। जैसे आप सर्दी चल रही है, वो गुड़ भी दे सकता है, उठा लिया और इसके इंजेक्शन लग सकते हैं, ये जी सकता है। अभी तो एक तो मोटा गुड़ नहीं दे सकती मैं। अच्छा एक क्वेश्चन और था, जैसे जैसे किसी पशु का देहांत हो जाता है, फिर उसका कैसे करते हो आप? तो इसमें भी कोई म्युनिसिपैलिटी या कोई सहयोग नहीं करता? तो जैस्मिन जी, जैसे कि मतलब आपकी एज में लड़कियां पूरा अपना मतलब फैशन में रहती हैं और अदर इधर उधर घूमने में रहती हैं, तो मतलब आपको भी किसी कुछ लोगों ने कहा या आपके फ्रेंड्स ने कहा कि किस काम में लग गए आप? हाँ बिल्कुल, मतलब मेरी फ्रेंड्स ने तो हमेशा सपोर्ट किया है, घर वालों ने तो नहीं कहा, लेकिन हाँ बाकी के और जैसे अड़ोस पड़ोस के लोग होते हैं, कहते हैं कि ये क्या मतलब इच्छा आप अगर करें क्या मिलेगा तुझे, सबसे मुझे तो क्या आंसर करना चाहते हो उन्हें? मैं बस मैं यही आंसर करूंगी कि अगर मैं इनको अगर मैं इनको आती यहाँ से अपनी गौशाला बंद कर दूँ मैं सारे प्लेट ना होंगे, अब आप खुद देख लो कि मैं कितना अच्छा काम कर रही हूं। तो हिंदू धर्म को पूरा निभा रहे हो आप? मतलब मैं अपनी जान से भी ज्यादा चाहती हूँ। तो डेली रूटीन क्या रहता है आपका? ओके। लेकिन रात में तो मैं पहले आके डिनर करती हूँ, उसके बाद निकलती हूँ। सुबह ब्रेकफास्ट नहीं किया।